मंदसौर जिले में फर्जी झोला छाप दंत चिकित्सकों पर कार्यवाही को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को दिया ज्ञापन। मंदसौर जिले में इन दिनों फर्जी झोला छाप दंत चिकित्सकों के द्वारा लगातार बिना डिग्री के ही इलाज किया जा रहा है, जिससे कई लोगों को इन फर्जी दंत डॉक्टरों से इलाज करने के बाद कैंसर एवं अन्य कई तरह की गंभीर बीमारी हो रही है। ज्ञापन मंदसौर डेंटल एसोसिएशन द्वारा एकत्रित होकर शुक्रवार जिला अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि दंत चिकित्सक करने के लिए कम से कम BDS की डिग्री होना अनिवार्य है, किंतु बहुत से ऐसे कई दंत चिकित्सा हैं जो बिना BDS डिग्री के दंत चिकित्सा कर रहे हैं और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंदसौर जिले में कई स्थानों पर डेंटल एम्बुलेंस भी चलाई जा रही है, जिससे गांव गांव जाकर गलत तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। नियम के अनुसार डेंटल एम्बुलेंस केवल मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे कि डेंटल कॉलेज या मान्यता प्राप्त कम्युनिटी हेल्थ डेंटिस्ट ही संचालित कर सकते हैं। मंदसौर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर डॉक्टर GS चौहान ने बताया कि मंदसौर जिले के सभी BLO को नोटिस जारी कर जांच कराई जाएगी। कौन कौन से क्षेत्र में बिना डिग्री के दंत चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी एवं उनके जो क्लिनिक हैं उनको सील किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी एवं इनके अलावा अन्य डॉक्टरों की बात करें तो कई मंदसौर जिले में ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वह सभी तरह के इलाज भी कर रहे हैं और कई लोग अपनी जान भी फर्जी डॉक्टरों से इलाज कराकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को मंदसौर जिला अस्पताल के कई अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण से वह बिना डिग्री के ही आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। दंत चिकित्सा इकाई संगठन के द्वारा आज मुझे अवगत कराया गया है कि क्षेत्र में काफ़ी झोला छाप दंत चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवैध प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस संबंध में मुझे लिखित में आज दिया गया है इनके द्वारा। ये गंभीर समस्या है और इस टाइप से नहीं होना चाहिए। मैं पूरे क्षेत्र में अभी समस्त BMO को नोटिस देता हूँ कि सभी जगह जाके देखें और चेक करें और बिना डिग्री के जो भी डॉक्टर इस प्रकार के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाएं और उन्हें बिल्कुल क्लिनिक उनके बंद किए जाएं। इनके क्लिनिक बंद किए जाएंगे जो भी अवैध प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो बिना डिग्री के इस टाइप से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। इनके क्लिनिक बंद करेंगे और एम्बुलेंस का पता चला है कि एम्बुलेंस के द्वारा भी घर घर जाके उपचार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको भी बंद करवाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हुए पाए जाएंगे तो FIR दर्ज करवाई जाएगी इन पे। डॉक्टर स्वाति अग्रवाल, आज हम सर से मिले हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में और इवन यहाँ पे मंदसौर के अभिनंदन एरिया में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। हम सब डेंटिस्ट हैं और डेंटल का इलाज इस तरीके से हो रहा है कि कोई भी बस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा जा रहा है और लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ताकि अपॉइंटमेंट्स के लिए मंदसौर आना ना पड़े या किसी और जगह पर जाना ना पड़े, इस वजह से वो उनके इस खेल में ट्रैप हो चुके हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही है क्योंकि उनको नहीं पता होता, उनके पास कोई एक्सरेज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के वो सब काम कर रहे हैं। और हमारे एरिया में हमारा जो फील्ड है उसमें ब्लड से बहुत ज़्यादा काम होता है, सलाइवा से सबसे ज़्यादा काम होता है। कोविड में भी देखेंगे तो मेनली सलाइवा से ही सब चीज़ें फैल रही थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है। आफ्टर कोविड इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये सब काम, और पिछले 4 से 5 महीने से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही। हमने सर को बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम और लिस्ट दी है कि इनके अगेंस्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें, क्योंकि हम लोगों ने हमारे लेवल पे बहुत ज़्यादा उन लोगों को नोटिस भेज दिया है पर क्योंकि कुछ असर नहीं पड़ रहा है इस वजह से हम सर से मिले हैं और सर ने आश्वासन दिया है कि सर इस चीज़ के लिए आगे कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आज हम मंदसौर के और मंदसौर ज़िले के सब दंत चिकित्सक डॉक्टर GS चौहान साहब जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको, जो झोला छाप दंत चिकित्सक सक्रिय हो रहे हैं पूरे ज़िले में, उससे अवगत कराने आए हैं। ये लोग एम्बुलेंस तक चला रहे हैं और गांव-गांव जाकर गलत इलाज कर रहे हैं, जिससे एड्स और कैंसर और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही है। ये लोगों के पास में कोई डिग्री नहीं है, ये एम्बुलेंस संचालित करते हैं, अपने
इनके पास स्टरलाइजेशन भी नहीं है, साफ़ सफाई की भी कोई सुविधा नहीं है, और ये गांव-गांव जाकर जो मरीजों का इलाज करते हैं, जिससे मरीज पीड़ित हैं। और हम यही चीज़ अवगत कराने आए थे कि पिछले एक डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं मंदसौर ज़िले में, तो हमने आज सर को अवगत कराया और सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये सहयोग एक तो ये कुछ बाहर से आए हुए यूपी और बिहार से कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आके ये काम कर रहे हैं, और कुछ यहाँ पे दंत चिकित्सक भी हैं जिन्होंने इनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर रखा है, जो ये एम्बुलेंस पे इन्होंने चिपका भी रखा है उनके नाम के साथ में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए हमने सर को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि वो तुरंत नोटिस जारी कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकती है, इनको कुछ किसी चीज़ का नहीं है, हम इस गंभीर समस्या से भी जोड़ रहे हैं। हम हर सप्ताह में एक दो मरीज ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि दांत निकलवाने के कारण हमको कैंसर हो गया, जबकि दांत निकलाने से कोई कैंसर नहीं हुआ था। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे दांत निकलवाया उस मरीज को पहले से कैंसर था और उसके कारण से वो कैंसर फैल गया, जिससे ये HIV जैसी गंभीर बीमारियों तक का भी खतरा इससे उत्पन्न हो रहा है। और मेरी ये सलाह है उन मरीजों को, ग्रामीण क्षेत्रों के अपने लोगों को, कि इन 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 झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े, और नहीं तो ये आपको किसी गंभीर समस्या में धकेल देंगे।